हाय गाइस, मनुवीर ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और देखिए, हम ले जा रहे हैं आलू के लिए प्याज छाट कर, तो देखिए पूरा ब्लॉग। हम आज गांव अलवर नहीं गए हैं और हम रुके हुए हैं यहीं पर ससुराल में। तो हम बनाने वाले हैं, क्या बनाएंगे छोटू खाने में? अपन खीर और खीर पुए पुड़ी है ना, छोटू को पसंद है और इनकी मामा जी को पसंद है, इसलिए यहाँ पे अब बनाने वाले हैं हम खीर पुआ पुड़ी। और तो खीर बन रही है, चावल छना रखे हैं, दीदी वहीं पे है, तो मैं छोटू यहाँ बैठे थे, तो चलो चलते हैं। कितनी मतलब कितनी प्रोग्रेस है, ठीक है। तो चलो, आप क्या कर रहे हो? बनने वाली है और फिर हम बनाएंगे, और इसमें इलायची डालना बाकी था तो मैं इलायची डाल देती हूँ। देखो, वैसे दीदी ने बनाई खीर। चाय इलायची ना, तो गाइस सामने खीर तो बन गई है हमारी। अब हम बनाते हैं पुआर पुड़ी। आटा लगा हुआ है, पुड़ी का आटा लगा दिया है। अब हम पुए का लगाने वाले हैं। और देखो, छोटू खा रहा है बिस्किट, उसको पार्ले जी बिस्किट पसंद है, तो उसको पार्ले जी बिस्किट तो मिली नहीं मतलब यहाँ पे, और हम लेके आए थे चॉकलेट वाले बिस्किट। तो देखो ये चॉकलेट कैसे निकाल निकाल के खा रहा है। छोटे को बता दो सबको कि आप कैसे चॉकलेट निकाल के खाते हो। देखो ये चॉकलेट निकाल के खा रहा है, देखो ये ऑनली इनको खा रहा है, ये अंदर का नहीं खाएगा। देखो ऐसे, अच्छा आप चॉकलेट चॉकलेट खा रहे हो, ये चॉकलेट चॉकलेट खा रहा है। जबकि इसको ऐसे, जिसको ये बिस्किट पसंद नहीं है चॉकलेट वाले, बस इनके अंदर की चॉकलेट पसंद है और बिस्किट इन्हें इसको पार्ले जी सिंपल पसंद है। छोटे पार्ले जी पसंद है ना। और हम नाड़ी माता दर्शन करके आ गए हैं, वो ब्लॉग भी आपको मिल ही गया होगा। तो और कैसा लगा, अच्छा लगा तो जरूर कमेंट्स में बताना, और हमारे ब्लॉग गांव के ब्लॉग आपको कैसे लगे वो भी बताना जरूर। तो ये हमारा घर है, वो वहाँ पर देख रखा है, मैंने पहले से आपके साथ शेयर कर रखा था। और ये वाली ड्रेस मैं पहन के गई थी नाड़ी माता के, तो मैंने खोला ही नहीं था नाइट ड्रेस को, तो मैंने शाम का ब्लॉग इसी में शूट कर दिया। तो चलो, कल तो गाँव वैसे भी अलग जाने वाले हैं सुबह, तो चलो खाना बनाते हैं। तो और बाकी का देखते हैं क्या शेयर करना। हम अब उतारने वाले पुए, हमने पोहे का देखो गोल बनाया है, ऐसे बनाते हैं, वो आप सभी को पता होगा जो बनाता है मीठी चीनी के में सुगर मतलब। तो और ये हमारा बाटी का, ये रहा हमारा पुड़ियों का आटा। तो अब बनाने वाले हैं हम खाना, खीर हमारी बन चुकी है, तो मैं छनाती हूँ कढ़ाई। इसी तरह छन चुकी है कढ़ाई, और अब इसमें तलने वाली हूँ मैं घी, क्योंकि पुए घी में बनाएंगे, तो चलो घी डालती हूँ इसमें, ठीक है। ये रहे, और देखो कुछ उतर रहे हैं इसमें, तो ये भी बन गए हैं। तो चलो इनको भी मैं निकाल लेती हूँ ऐसे गोल गोल। वैसे मैंने यहीं पे, मैं जो भी बनाया ना, मैंने यहीं भी बनाया, मैंने अपनी मम्मी के घर पे नहीं बनाती थी, पर फिर कर लेती हूँ। मतलब ऐसे कि आता, ऐसा कोई काम नहीं जो मुझे नहीं आता, मुझे एक काम है जो मुझे नहीं आता, तो आप तो ऐसा मतलब जो भी है जमींदारा में जो भी काम होता है करने का, तो ऐसा कौन सा काम है जिसको मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती, ठीक है, बताना जरूर कमेंट्स में कि ऐसा कौन सा काम है जो मुझे आता नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, आपके हिसाब से कौन सा काम है? देखो कौन बोलता है राइट, तो जरूर बताना कमेंट्स में, कमेंट्स करके कि मुझे कौन सा काम मुझे आता नहीं है। मैं वेट करूंगी आपका, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी अगले दिन, आप सभी को बताऊंगी मुझे आता है रियल भी नहीं आता, सच बताऊंगी। कौन सा काम है जो मुझे नहीं आता, शायद आपके हिसाब से कौन सा काम नहीं आता, तो जरूर बताना मुझे कमेंट्स करके, ताकि मुझे पता चले कि आप मुझे कितना जानते हो मेरे बारे में, और क्या पता है आपको मुझे कौन सा काम नहीं आता है। आज तो हम भर के रखे हुए हैं, तो हम इनको ले जा रहे हैं अलवर, मोटे मोटे छाट के ले जा रहे हैं, धीरे धीरे छोड़ के जाएंगे, छोटे छोटे तो साफ भी करना है। कि देखिए कितना मोटा प्याज है। दीदी बना दे कि आ जा पापा ले चले हैं। वैसे लोगों
सर्दी बहुत ज़्यादा है गाँव में, जो भी काम आप खुला कैंसिल कर देना, ठीक है।